आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नागौर दौरे पर हैं और इस दौरान वे बीकानेर से श्री बालाजी पहुंचेंगे, जहां मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्वर्ण कलश स्थापना समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद श्री बालाजी से नागौर के लिए वो रवाना होंगे। यहां वे महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। तो इसके बाद माली समाज के तृतीय सामूहिक विवाह समारोह स्थल पहुंचेंगे और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता संदीप बोहरा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी संदीप, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? मैं बताना चाहूंगा उमंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पूरा जो कार्यक्रम 12 बजे बीकानेर से रवाना होकर श्री बालाजी पहुंचेंगे और 3 बजे यह नागौर से रवाना हो जाएंगे। पूरा कार्यक्रम की जो थीम अगर देखी जाए तो श्री बालाजी में जहाँ धार्मिक कार्यक्रम है, जिसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कलश स्थापना कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वहीं 1 बजे श्री बालाजी से रवाना होकर नागौर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ दोनों कार्यक्रम में आपको बताना चाहूंगा सामाजिक कार्यक्रम है, जिसमें से पहला जो कार्यक्रम है वो ज्योतिबा फुले छात्रावास का उद्घाटन करना है। वहीं दूसरा जो कार्यक्रम है वह मुख्यमंत्री के समाज माली समाज द्वारा 141 सामूहिक नव दंपतियों को आशीर्वाद में शिरकत का है और उसके पश्चात वहीं पर उनकी आम सभा भी है। जी उमंग जी, बिल्कुल संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।